Hey guys, I'm Varun, certified nutritionist and supplement specialist. Guys, तो आज हमारे पास वीडियो में है जो प्रोडक्ट वो है वेलकोर का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। एक मेरे पास अनफ्लेवर्ड है और एक मेरे पास फ्लेवर्ड है। हालांकि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये वीडियो किसी भी टाइप से स्पॉन्सर नहीं है, ये मैंने खुद के पैसों से खरीदा है। हालांकि इनका जो रेट आया है वो आया है 500 रुपीज का, मुझे ये वाला मिला था एंड 550 रुपीज का मुझे फ्लेवर्ड क्रिएटिन मिला था। तो ये वीडियो वेलकोर से स्पॉन्सर या किसी भी टाइप का पेड कोलैबोरेशन नहीं है। ये जो है ये मैं अपनी ऑडियंस के लिए खुद से खरीद के लाया हूँ, और अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि मैंने ये ऑफलाइन एक डीलर से खरीदा हुआ है, तो मुझे ये किसी भी कंपनी ने नहीं भेजा है। तो आज हम इसकी मिक्सेबिलिटी ट्राई करेंगे, कौन सा दोनों में से आपको क्रिएटिन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, या फिर दोनों ले लेने चाहिए, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और इनकी मिक्सेबिलिटी, इनके टेस्ट किस टाइप के हैं, पाउडर की क्वालिटी कैसी है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। गाइज, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेलकोर के बारे में। गाइज, ये जो कंपनी है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है आजकल, क्योंकि इससे काफी लोग प्रमोट भी करते हैं और इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं है। हालांकि पहले मैंने वेलकोर को यूज नहीं किया है, तो आज हम पहली बार इसके लिए देखेंगे, इसकी मिक्सेबिलिटी देखेंगे, इसका क्या है। सबसे पहले एक बेसिक चीज आप सभी को बताता हूँ कि ये जो है ये अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन है और ये है फ्लेवर्ड क्रिएटिन। दोनों में सिर्फ 50 रुपए का फर्क बैठता है गाइस। और ये जो अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन है, इसकी जो आपको पैकेजिंग मिलती है ये आपको 100 ग्राम्स की मिलती है, और फ्लेवर्ड क्रिएटिन की आपको मिलती है 122 ग्राम्स की। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 22 ग्राम्स क्रिएटिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। गाइस, दोनों में आपको जो सर्विंग मिलती है वो 33 मिलती है। इसमें आपको ज्यादा क्यों मिलती है गाइस? क्योंकि इसमें फ्लेवर को भी ऐड किया गया है। फ्लेवर काफी ज्यादा चीप होते हैं गाइस, वैसे मैं आप सभी को बता दूं, तो इसमें फ्लेवर का भी वेट हो, जो पाउडर ऐड किया होगा उसका भी इसमें वेट ऐड किया गया है। दैट्स व्हाई इसको 122 ग्राम्स का बनाया गया है। उसके अलावा बात करते हैं क्रिएटिन की, तो गाइस इसका जो सर्विंग साइज होने वाला है फ्लेवर्ड क्रिएटिन का, ये होने वाला है 3.7 ग्राम्स, जिसमें आपको 3 ग्राम क्रिएटिन मिलेगा। इन द सेंस जो 0.7 ग्राम्स होने वाला है वो होने वाला है फ्लेवर्ड होने वाला है, ठीक है। जो भी इन्होंने फ्लेवर यूज किया, जैसे टॉपिकल टैंगो इसमें मुझे दिख रहा है। तो इनके पाउडर की सबसे पहले क्वालिटी वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले अनफ्लेवर्ड को ओपन करते हैं हम। गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसको ओपन कर दिया है और पाउडर मुझे सामने दिखने लगा है। गाइस, तो पाउडर की अगर हम बात करें तो पाउडर काफी ज्यादा फाइन है, बहुत अच्छी क्वालिटी है नो डाउट। और इसके अंदर आपको स्कूप भी देखने मिलेगा जो कि 3 ग्राम्स का होने वाला है इस टाइप से। ओके, थोड़ा सा गिर गया है मुझसे नीचे। इसके बाद अब हम गाइस अनबॉक्स करते हैं इनका फ्लेवर्ड क्रिएटिन। गाइस, इनका जो फ्लेवर्ड क्रिएटिन है, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे ना लाइटिश मैंगो टाइप फील आ रही है। पाउडर भी थोड़ा कलरफुल है और इसके अंदर भी इन्होंने स्कूप दिया हुआ है। हालांकि दोनों की अभी हम देखेंगे कि ये पानी में किस टाइप से डिसॉल्व होते हैं। गाइस, एक चीज आप सभी को बता दूं, अगर आप कोई भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेते हैं तो उसके साथ एक चीज होती है कि अगर वो पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो गया तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और अगर पानी में मिक्स नहीं हुआ है तो वो ओरिजिनल क्रिएटिन है, मतलब सरफेस पे जाके उसका बैठना जरूरी होता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम नॉर्मल क्रिएटिन ले लेते हैं। इसमें काफी ज्यादा आज पाउडर गिर गया तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। ये मैंने डाला इसमें क्रिएटिन, आप लोग देख पाएंगे गाइस ये तुरंत नीचे जाके सेटल होने लगा है, इसको तुरंत ये सेटल डाउन होने लगा। हम थोड़ा सा सेटल होने का इसको टाइम देंगे और उसी के साथ साथ हम इसके फ्लेवर को भी, फ्लेवर्ड क्रिएटिन को भी, सेकेंड जो हमारे पास ग्लास है इसमें ऐड करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि क्या ये भी सेटल होता है। गाइस, बिल्कुल ये भी सेटल हो रहा है नीचे जाके, इन द सेंस कि क्रिएटिन जो है वो पूरी तरीके से जेन्युइन है, ठीक है। आप क्लियरली दोनों ग्लासेस में देख पाएंगे, ये तो पूरी तरीके से नीचे बैठ चुका है, पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ये वाला जो ग्लास है इसमें कलर मुझे दिख रहा है, आई गेस कलर काफी हैवीली यूज किया है, बट अगर नीचे साइड में देखता हूं तो इसमें क्रिएटिन नीचे सेटल हो चुका है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नॉर्मल क्रिएटिन पर ही रहें, क्योंकि क्रिएटिन का कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अभी इसको जैसे हम मिक्स करते हैं, आई गेस वेलकोर ने ना इस चीज में ना, एक चीज बोलूंगा कि वेलकोर ने इसमें कलर काफी हैवीली यूज किया है गाइस,
क्योंकि बहुत ही शानदार इसका कलर दिख रहा है मुझे, और मैं थोड़ा सा फ्लेवर्ड क्रिएटिन उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। ये भी काफी ज्यादा मिक्स हो चुका है, अभी टेस्ट की बात करते हैं। गाइज ये एकदम रॉ टिपिकल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट वाला टेस्ट था, जो कि बिल्कुल बेसिक था, कोई चेंजेस नहीं है। तो अभी हम ना इसका फ्लेवर वाला भी ट्राई कर लेते हैं। ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें डालते हैं, इसका जो फ्लेवर फ्लेवर होगा वो आई गेस ऊपर होगा। क्रिएटिन, हाँ क्रिएटिन नीचे सेटल हो चुका है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने इसमें डाल दिया है। अभी अगर हम ग्लास के नीचे देखते हैं, होप आप सभी को दिख रहा होगा, तो इसमें क्रिएटिन मुझे दिख रहा है, इन द सेंस कि कलर किया गया है क्रिएटिन को, मतलब तो फ्लेवर डाला गया है। अभी इसको भी ट्राई करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। गाइस टेस्ट बहुत अच्छा है। बचपन में जैसे सैशे पिया जा सैशे में मिलता था, रसना बोलते थे जिसको हम, सेम एग्जैक्ट वैसा टेस्ट है। अगर इसमें 2 आइस क्यूब डालेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि क्रिएटिन है। बट दोनों क्रिएटिन में से आपको कौन सा लेना चाहिए गाइस, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको आप अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन लें, क्योंकि अननेसेसरी आपकी बॉडी में आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल फिलर्स वगैरह ना ही जाए तो ही ज्यादा बेटर है। क्योंकि इसके हम इंग्रेडिएंट में नजर मारते हैं, तो इसमें इन्होंने आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट और नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर स्वीटनर वगैरह ऐड किया हुआ है। जबकि इस बॉक्स के इंग्रेडिएंट पे हम नजर डालते हैं तो सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट हमें देखने मिलता है, वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो इसको आप वे प्रोटीन के साथ ऐड कर सकते हैं, आप किसी शेक के साथ इसको ले सकते हैं। बट थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा कि आप लोग फ्लेवर्ड की तरफ ना जाए, अगर आप कंज्यूम कर सकते हैं तो। बाय द वे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अच्छा है। तो अगर आपको ये रिव्यू थोड़ा भी जेन्युइन लगा हो, थोड़ा भी सही लगा हो, तो आप प्लीज मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हो, चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि ये चीजें खरीदने में काफी ज्यादा फंड्स लगते हैं। आप सब लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखें और लाइक और शेयर जरूर करें, एंड मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, और उसके अलावा अपने थॉट्स मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।